नहीं रहता है, ठीक नॉर्मल मैकेनिक्स है, ठीक है, यही चीज है। अच्छा ये देखो गाड़ी तुमने देखी, जमीन पे चलती है ना ऐसे, अरे गाड़ी ऐसे चल रही हो, खेल एक्स एक्सिस का है ना, इस पर फोकस करो सिर्फ, किस पे, इस पे, इसे मत देखो, ये तो बाई पैरामीटर तो भागे भागे, सिर्फ इसे देखो, ठीक है, इसकी और इसकी शक्ल में अंतर देखना कितना है, इसकी और इसकी शक्ल में इतना अंतर है सिर्फ नीचे की चीज का। तुम्हारी गाड़ी हल्के चल रही है, वी का मान कम है, नीचे 3 लाख है, इसे नेगलेक्ट करो, बचा वही जो था। इसका मतलब ये फार्मूले यही वाले हैं रिलेटिव जोड़ने के, तो रिलेटिव वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, तो ये रिलेटिव है यहाँ पे, अगर रिलेटिव बोल दूँ समझ जाना वेलोसिटी एडिशन थ्योरम वही होती है। कब लगेंगे, जब दो पार्टिकल या गाड़ियां स्पीड ऑफ लाइट से चल रही होती हैं, तब उनका औसत वेग निकालने का, सापेक्ष वेग निकालने का तरीके लिए ये फार्मूला लगाते हैं, ना कि देसी जुगाड़, वो जाए गलती। इस चीज से आप याद रखें तो आपको याद आएगा, पहला फार्मूला क्या होता है, ux प्राइम इज इक्वल टू ux माइनस b, नीचे का आएगा 1 माइनस ux v अपॉन c स्क्वायर, यहां कितना है ये तो याद ही रहेंगे, uy 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ये तरीका होता है। हम इसका एग्जांपल देता हूं, जो बहुत ही फेमस एग्जांपल है, कि कैसे पता चलेगा ये खतरनाक फॉर्मूला है, नहीं पता चलेगा, देखते हैं। ईश्वर ना करे एक गाड़ी है जो प्रकाश के वेग से चल रही है, किस वेग से चल रही है, प्रकाश के वेग से, सी स्पीड से, और एक बाइक है वो भी प्रकाश के वेग से ही चल रहा है, किस स्पीड से, सी स्पीड से। इस गाड़ी का नाम है ए और इस बाइक का नाम है बी, तो इसकी स्पीड को वी ए कहेंगे, इसकी स्पीड को वी बी कहेंगे, ठीक है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स ये कहती है कि अगर ए के सापेक्ष बी का वेग देखें, बताओ कितना होगा उसमें, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू वेग, बताओ क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग तो 2 सी होगा बी, और वैसे कितना होगा, सी सी है, क्यों वो सी रहा है, वो कैसे बता दिया, कांस्टेंट है, क्यों सी तो एक कांस्टेंट है ना, वो यहीं से आता है, वैल्यू पुट कर ऐसे आता है कि जो वी ए का मान है वो सी है, यहाँ रखो जरा दूसरे फ्रेम से देखने पर, यू एक्स प्राइम इज इक्वल टू वी ए का मान सी है, सी है, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, वी का मान माइनस माइनस सी अपॉन वन माइनस यू एक्स वी सी गुणा माइनस सी अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर देखो माइनस माइनस प्लस सी प्लस सी अपॉन वन प्लस सी सी, माइनस प्लस हो गया, सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, इससे कट गया सी सी टू सी अपॉन एक और एक दो, दो से दो कट गया सी, रिलेटिव वेलोसिटी सी दिखाई देगी जो कि कॉन्स्टेंट टर्म है। ये रिजल्ट क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बताता, मुझे आश्चर्य इस बात का है कि तुमने रट रखा है कि सी ही आएगी, एक्चुअली मैंने ये 10th 12th में रट लिया, दो पार्टिकल अगर सी स्पीड चल रहे हो तो रिजल्ट, पर वो सी क्यों आएगी, वो वेलोसिटी एडिशन थ्योरम बताती है जो रिलेटिविटी के बाद पढ़ा था, तो वैल्यू प्रूफ दे देता था, तुम्हारी तो बात नहीं रही है, तुमने तो सब कुछ ही पढ़ रखा है, तुमने सब कुछ पढ़ रखा है तुमने, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसका फॉर्मूला याद करें, मैं अभी आपके एंड में सबको सिंक्रोनाइज करके दिखाऊंगा सारे फॉर्मूले, और पूरे गौरव चमन सिंह जी बताएंगे सारे फॉर्मूले बिना गलती के रिलेटिविटी, है ना भाई बेटा, उधार यहीं पर बिल्कुल गेर गेर का मानना, वीडियो के बीच में सही बता रहा हूँ, अगर फॉर्मूला गलत हो गया, अगर फॉर्मूला गलत हो तो यहीं पर बेल्ट से मानना है, ठीक है। तो अपने जो बचा वो मास वेरिएशन फॉर्मूला बचा, देखते हैं मास वेरिएशन फॉर्मूला क्या है, तो हैशटैग मास वेरिएशन फॉर्मूला, मास वेरिएशन फॉर्मूला, मास वेरिएशन फॉर्मूला ये कहता है कि ये एक फ्रेम है जिसका नाम एस है, बोलो रट जाएंगे फ्रेम फ्रेम बनाते बनाते, ये फ्रेम है जिसका नाम एस प्राइम है, और सीधी सी बात है कांस्टेंट स्पीड वी से मूव कर रहा है जो कि अप्रोक्सीमेट सी है। तो अगर रेस्ट फ्रेम में एम नोट मान लूं, डायनामिक फ्रेम में एफ मान मान लूं, तो इनके बीच में रिलेशन होता है, मास वेरिएशन फॉर्मूला का रिलेशन क्या होता है, अरे भैया मास वेरिएशन फॉर्मूला पता है, चलो पता है तो सिर्फ इतना बता दो, मास बढ़ता है घटता है, पता खत्म करते हैं जी, बस मास बढ़ता है या घटता है, बढ़ता, इतना बताना आपको मास बढ़ता है घटता है, बात खत्म करते हैं, बढ़ता है, सोच लीजिए, बढ़ता, सोच लीजिए, बताओ बाहर फ्रेम ऐसा देखने पर, अगर फ्रेम एस प्राइम अगर पार्टिकल में, तो सी एस का छोड़ो, पार्टिकल भाग रहा है मेरी नजर में, उसका मास बढ़ेगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, वी नो दैट, वी नो दैट मास वेरिएशन फॉर्मूला, मास वेरिएशन फॉर्मूला इज
फॉर्मूला कितना होता भाई, एम इक्वल टू एम नॉट अपन अंडर रूट वन माइनस वी अपन सी स्क्वायर, वेयर वेयर एम नॉट इज रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल एम डायनेमिक मास ऑफ पार्टिकल, डायनेमिक मास ऑफ पार्टिकल ठीक है, लेकिन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार। अच्छा एक बात सोचिए बताओ, मास बढ़ रहा है तो बात सही है, क्या मास लीनियरली बढ़ रहा है, क्या मास बढ़ रहा है वो लीनियर रेखा के रूप में बढ़ रहा है, है? इसका ग्राफ कैसा होगा मास बढ़ रहा है तो बड़ी सीधी सी बात है, बी बढ़ाएंगे तो एम बढ़ेगा। पहली बात देखो तो कॉन्स्टेंट कितने हैं, ये तो स्टैटिक कॉन्स्टेंट है, ग्राफ इसके उसके बीच में मिलना है, इसके और वेलोसिटी के बीच में, इसके और वेलोसिटी के बीच में ग्राफ कितना है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ओवर सॉरी हां क्या कहना चाहेंगे, नहीं 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 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मगर बी बढ़ाने पे एम बढ़ेगा तो लीनियरली मास बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, क्या मास लीनियरली बढ़ेगा, और ग्राफ अगर चार आ जाए मास रिलेशन फॉर्मूला का ग्राफ कौन सा है तो आप कैसे पहचानना पसंद करेंगे। सबसे पहली बात, कभी भी कोई ग्राफ आता है कि इस फंक्शन से रिलेटेड, तो उस ग्राफ को सेटिस्फाई करवा कर देखते हैं उस फंक्शन से, अगर उसे सेटिस्फाई करता है तो उसका ग्राफ है, अदरवाइज बस समझ आ रही है। तो इस चीज़ को ऐसा समझ सकते हैं, इसमें जरा थोड़ी सी इंक डालो, समझ सकते हैं आप, जरा v का मान जीरो रखें और v का मान इनफाइनाइट रखें, v का मान जीरो रखें और v का मान इनफाइनाइट रखें, इनफाइनाइट या एक पर्टिकुलर कांस्टेंट सी रखें, हां मेरा मतलब भाई इनफाइनाइट का मतलब c से होता है, हम्म, मतलब c से होता है, बताइए क्या रिजल्ट मिला, तब तो ग्राफ इस तरीके से आ रहा है, और जीरो रखें तो और समझेंगे ठीक, हैशटैग ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास वेरिएशन चमन जी बदतमीजी में फॉर्मूला बताओ, वी नो दैट क्या होता है अपने पास, एम इक्वल टू एम नॉट अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी है, इफ वेलोसिटी इक्वल टू जीरो एम इक्वल टू m बताएगा, if velocity is equal to c तो m is equal to इससे कट गया और जीरो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, दो वेरिएबल है यहाँ पे वेलोसिटी और मास, तो मास डायनेमिक अगर इधर मान लो और वेलोसिटी को अगर इधर मान लो तो किसी फाइनाइट मास से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी के जीरो होने पर मास m नोट अगर इसे मान लो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये जाएगा कहाँ की ओर, इनफाइनाइट की ओर, ग्राफ है किसका, इसका ग्राफ है ठीक, इसे एग्जैक्ट पैराबोला नहीं कहा जाएगा इसलिए से पैराबोला से थोड़ा अलग ही माने, एक नो पैराबोला थोड़ा कह रहा हूँ पैराबोला से अलग माने ठीक है, कहीं पर सी बाई टू भी रख के देख लें तो आपको अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा, एग्जैक्ट पैराबोला नहीं होगा ठीक है, रख के देखें अगर सी बाई टू रखते हो कहाँ मिलता है, रखो इफ वी इज इक्वल टू सी बाई टू कितना आया वी टू अपॉन रूट थ्री, सी बाई टू रख दिया तो ये आ गया एक बटे चार, चार में से चार आएगा ना, चार में से एक गया तीन हो गया अंडर रूट तीन, दो अंडर रूट तीन है ना, एम इक्वल टू दो एम नॉट अपॉन अंडर रूट तीन, दस नॉट आज थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है तो इस मान को मान लिया, इसको मान लिया मैंने यहाँ, ये कितना मान लिया दो एम नॉट अपॉन अंडर रूट तीन, तो इसको हम ले आए यहाँ पर, ऐसे अगर मैं थोड़ा और रखूँगा सी बाई फोर बताओ कितना है, वी इक्वल टू सी बाई फोर पंद्रह एम इसको तो कितना आएगा एग्जैक्ट बताओ मुझे कितना आएगा, फोर अपॉन अंडर रूट फिफ्टीन, फोर अपॉन अंडर रूट फिफ्टीन पक्का, फोर एम नॉट अपॉन अंडर रूट फिफ्टीन, तो सी और इसके तो मान आपस में हमें ये भी लेके चल रहे हैं, ये
इस पे वेलोसिटी कितनी है, इस पे तो जीरो है, दूसरे पे कितनी थी इनफाइनाइट थी, इस पे सी बाई टू है, और आगे वेलोसिटी कितनी मानी है मैंने, सी बाई फोर, कम मान रहा हूँ ना मैं, फिर वेलोसिटी इससे कम ना कर दी मैंने, तो पहले सी बाई फोर मानते हैं। चलो कोई बात नहीं, पहले मानने का क्या मतलब, एक ही बात होगी, सी बाई फोर आधी ले लो, सी बाई फोर ये ग्राफ इससे मिलेगा, ये यहाँ पर आएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है लास्ट में, फोर चमन बात नहीं, फोर एम नॉट अपॉन फिफ्टीन, फोर एम नॉट अपॉन अंडर रूट फिफ्टीन, अंडर रूट फिफ्टीन, जाना है कोई जा सकता है। अब करना क्या है, ग्राफ को यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्राफ, क्यों, क्योंकि हमारे पास स्टार्टिंग में क्या है, फाइनाइट मास है, और फाइनाइट मास को हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, और सारे कोऑर्डिनेट जो हमने बनाए हैं उनसे मैच मिलाते जाना है, जो सारे कोऑर्डिनेट को मिलाते समय याद रखना है कि इनफाइनाइट पर हमें v इक्वल टू c पर, जब प्रकाश का विवरण होता है तो c पर हमें इनफाइनाइट कर देना है, तो v इक्वल टू c पर अगर मुझे इनफाइनाइट करना है, v इक्वल टू c मुझे इनफाइनाइट करना है, तो हमें ग्राफ यहाँ से लेकर स्टार्ट करना है, इन पॉइंटों को मिलाते हुए, इन पॉइंटों को मिलाते हुए इनफाइनाइट करना है ऐसे, ठीक है, कुल मिला के वही वाले बात जो बताना चाहता है, लगभग लगभग ऐसे जाएगा, और ये पॉइंट इधर आएंगे, ये आपका हो गया। अब बात करते हैं आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के बारे में, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के फॉर्मूला याद है, गौरव सिंह फॉर्मूला याद है, क्या होता है, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, पक्का, ओके जी, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग हैशटैग आइंस्टाइन एस टी ई आई एन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन, बहुत ही सुंदर रिलेशन है और बहुत ही पूजनीय रिलेशन है, विद रेस्पेक्ट समझने की कोशिश करें, जमाई लोगे जिंदगी भर देने नहीं दूंगा जमाई, ठीक है, टाइम कितना हो रहा है, रात्रि के अभी कितने बज रहे, टाइम तो पता होगा, टाइम दे, टाइम बताओ, 2 बजे रात्रि के अभी 2 बजे हैं, और बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं कि 2 बजे हाँ नींद, दिन भर गधे की तरह सोते हैं, बिल्कुल नींद वाली का तो वही इशू नहीं, तो सोने का तो कोई मतलब ही नहीं, तो आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन को बिल्कुल शिद्दत के साथ पढ़ना है, और एक बात को जहन में भर लेना है कि रिलेटिविटी में मास कॉन्स्टेंट नहीं आता, वी हैव स्टडीड दैट मास इज नॉट कॉन्स्टेंट, इज नॉट कॉन्स्टेंट क्वांटिटी इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, इन रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स इट वेरीज विद द फॉर्मूला m = m0 अंडर रूट 1 - v² / c² फुल स्टॉप, सो द फोर्स विल ऑल्सो वेरी। नाइन्थ में एक बार क्वेश्चन आया था मुझसे कि न्यूटन की गति का नियम का द्वितीय नियम का फॉर्मूला क्या है, पहला ऑप्शन f = ma, दूसरा ऑप्शन f = dp/dt, तीसरा ऑप्शन f = sv, और चौथा ऑप्शन f = pm, पूछा गया था इनमें से सही कौन सा है, और तुम्हारा भाई रटा हुआ था करके आया था, और तुम्हारे भाई के भाई ने बिल्कुल रटा हुआ था, उन्होंने भी करके काटे के इसे सही कहा, और मुझे पक्के तौर पर पता, उस मास्टर को भी नहीं पता होगा कि ये सही और ये गलत क्यों है, तो उसकी बाउंड्री यहाँ है, उसकी बाउंड्री यहाँ है, बिकॉज ऑफ अगर हम f = dp/dt देखें, dp/dt देखें तो p = mv होता है, बिल्कुल सही बात है, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स में मास कांस्टेंट रहता है तभी वो बाहर निकलता है, और dv/dt जो होता है इसे एक्सेलरेशन कहते हैं, इसलिए m में बनता है, समझ में आया,
इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि डीपी बाई डी टी एम ए के बराबर हो, यह बताने की कोशिश करी मैं। तो डीपी बाई डी टी एम ए के बराबर केवल तब होता है जब मास बाहर निकलता है। हमारी स्थिति यह है कि हम मास आज बाहर नहीं निकाल सकते, तो वहां न्यूटन के नियम थोड़े से, नियम न्यूटन का यही है, न्यूटन का नियम लगेगा, थोड़ा सा चेंज उसमें करना पड़ेगा। क्या? तो मैंने लिखा है द फोर्स विल आल्सो वेरी, सो बाय न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला बताओ इनको रक्स में, एफ इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, एफ इक्वल टू डी ओवर डी टी एम वी, लगाओ फर्स्ट सेकेंड, एफ इक्वल टू पहली बार में पहला बार दूसरे का डिफरेंस है, प्लस दूसरी बार में दूसरा बार वी है, दूसरा बार वी पहले का डिफरेंस है, डी एम ओवर इक्वेशन फर्स्ट, एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स, बाय दिस फोर्स एफ इक्वल टू, ओ सॉरी, वर्क इक्वल टू डब्ल्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस। वर्क निकालो भाई, बताओ कितना होगा एफ डॉट डी एस, बताओ वर्क कितना होगा, बताओ बताओ वर्क कितना होगा, एम्प्लाइज डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ का मान बोलो कितना, एम डी वी, एम डी वी बटे डी टी प्लस वी डी एम ओवर डी टी, वी डी एम ओवर डी टी। मैं जरा फर्स्ट सेकेंड चेक करना चाहता हूँ, पहली बार में पहला बार डी एम बार, दूसरा डिफरेंस डी ओवर डी टी, दूसरा दूसरा बार वी बार, पहले का डिफरेंस डी एम ओवर डी टी, कितना बचा यहाँ पे डी एस, डी एस की मल्टीप्लाई करिए अंदर, देखना कैसे करता हूँ, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू डी एस ओवर डी टी इंटू डी वी प्लस, इसकी मल्टीप्लाई करिए इसमें वी इंटू डी एस ओवर डी टी इंटू डी एम, कोई संदेश? ठीक, दूरी बटे समय को चाल कहते हैं, दूरी बटे समय को चाल कहते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी प्लस यहाँ पे वी इंटू वी इंटू डी एम, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू वी इंटू डी वी प्लस वी, सॉरी वी ओवर सॉरी वी बी एम वी स्क्वायर इंटू डी एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी हैव मास वेरिएशन फॉर्मूला, मास वेरिएशन फॉर्मूला क्या होता है, मास वेरिएशन फॉर्मूला जरा इधर की तरफ बताएं, बताओ क्या होता है, तो क्या लिखा है, ये लिखा है वी हैव मास वेरिएशन फॉर्मूला, तो लिखा होता है सो एम इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कितना है, एम स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इसमें एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर एम स्क्वायर प्लस अंदर करेंगे मल्टीप्लाई, सॉरी माइनस आएगा, बता दे करो यार, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर बराबर एम नॉट स्क्वायर, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड, ई आर ई एन टी आई ए टी आई एन जी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स कितना है बताओ, ये कितना है टू एम डी एम माइनस ये कितना है वन अपॉन सी स्क्वायर, अंदर करेंगे इसका डिफरेंशिएशन बताओ कितना है, माइनस ब्रैकेट पहली बार में पहला बार दूसरे का डिफरेंशिएशन टू बी डी वी और दूसरी बार दूसरा बार वी स्क्वायर, पहले का डिफरेंशिएशन टू एम डी एम और ये क्या है रेस्ट मास जीरो। बताइए भी कितना बचा, ये बच गया टू एम डी एम, कितना बचा एम्प्लाइज टू एम डी एम माइनस वन अपॉन सी स्क्वायर, वन अपॉन सी स्क्वायर मतलब ब्रैकेट एम स्क्वायर इंटू टू वी डी वी, यही है एम स्क्वायर इंटू टू वी डी वी प्लस देख लो भाई एम स्क्वायर इंटू टू वी डी वी प्लस वी स्क्वायर इंटू
2m dm, 2m into dm is equal to 0, सही है, कोई पैरामीटर छोड़ो तो नहीं, तो देख लो आंसर करता है, जिम्मेदार नहीं हूँ मैं, v square into 2vdv, तो 2vdv, v square into 2m dm, exactly, इसी को ले आओ, कितना है, 2m dm is equal to 1 upon c square, m square into 2vdv, plus v square into 2m dm, ठीक है, माइनस का था उधर के प्लस का हो गया, क्या आप 2m देख पा रहे हैं यहाँ पे, इस 2m से मैं ये 2 और एक m काट रहा हूँ, ये 2 और एक m काट रहा हूँ, बताओ कितना होता, dm is equal to 1 upon c square, एक m कटा है तो एक m बचेगा into vdv, प्लस ये दोनों कट गए तो बचा v square into dm, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे c square into dm is equal to m into v into dv plus v square into dm, putting this value, in equation first, ये equation first है, इस पूरे की value देख सकते हो exact same है, कितनी है c square dm, रखो कितना है, dw is equal to इसका नाम कितना है c square dm, work को energy कहते हैं, by work energy term, by work एनर्जी थ्योरम, चलो मेरा दिल खुश हो जाएगा अगर तुमने वर्क एनर्जी थ्योरम सुनाई तो, थ्योरम कौन सुनाए हो, वर्क एनर्जी थ्योरम सुना दी तो मेरा दिल खुश हो जाएगा, कौन सुनाए होगा, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क ही एनर्जी होती है, हाँ मेन बात तो यही है, तूने सुनी है यार, तूने बीच लेक्चर में इज्जत ही करवा ली अपनी, और की एनर्जी होती है यार, और एनर्जी थ्योरम कहती है अगर कोई किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जा रहा है तो फोर्स लगाने पर ऑब्जेक्ट डायनेमिक स्टेट में आएगा, चलेगा, चलने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे द्वारा फोर्स द्वारा की गई वर्क के इक्वल होगी, मतलब चेंज इन वर्क काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, मैं जितना वर्क, अब तो मैं यही करता ना, मैं तो काफी कुछ कह रहा था, तुम तो वर्क की एनर्जी बात के बारे में बात सही है, पर वो वर्क एनर्जी थ्योरम ही है ना, तो समझ में क्या कहा, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है कि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी बराबर है, प्रूफ करता हूँ, दो मिनट का खेल है, ये देखो ये वर्क है, यहाँ से यहाँ तक मैंने इसका खेला, कितना है एस डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी फॉर्म क्या होता है, वी स्क्वायर प्लस टू एस पड़ा है, इसको दे लाओ कितना है, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इक्वल टू कितना, टू एस, एक बटा दो एम से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बटा दो एम वी स्क्वायर माइनस का एक बटा दो एम य
एम ए क्या होता है फोर्स, एफ इन टू एस कितना हो गया ए डब्ल्यू, ये क्या है के टू माइनस के वन कितना डेल्टा के स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू, ये वर्क एनर्जी चरम होती है जो बताती है काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा मतलब वर्क हुआ है। तो वर्क एनर्जी में मैं ये लिख सकता हूँ कि डी के जो है वो डी डब्ल्यू के बराबर है। चलो मैं ये प्रूफ कर दिया मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम तो अपन ने प्रूफ कर ली जो बताती है कि वर्क एनर्जी इक्वल होती है तो डी डब्ल्यू डी के इक्वल होता है। लेकिन सो डी के इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ सी स्क्वायर डी एन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स करो इंटीग्रेट डी के को जीरो से ई तक इंटीग्रेट करना है, सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, रेस्ट मास एम नोट से एम तक इंटीग्रेट करना है, डी एम कितना है ये कितना है बताओ के जीरो से ई तक इक्वल टू सी स्क्वायर कैपिटल के मान लूँ क्या के ही मान लेता हूँ ताकि वो अच्छे समझ में आ जाए सी स्क्वायर और अंदर बचेगा एम और ये हो गया एम नॉट कैपिटल है बस इसमें मान रखो के रखा और जीरो रखा तो आगे के माइनस जीरो यहाँ पर रखा सी स्क्वायर एम रखेंगे तो एम आएगा माइनस एम नॉट रखेंगे तो एम नॉट आएगा ये के माइनस जीरो क्या काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई मल्टीप्लाई करो अंदर कितना है एम सी स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो एम नॉट सी स्क्वायर इस चीज़ को चलाओ के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इसको लो कितना बचा एम सी स्क्वायर बताओ कितना बचा बताओ भाई कितना बचाओ कितना बचा एम प्लाइज के प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इसको लो
mc2, k क्या है, काइनेटिक एनर्जी, और ये क्या है, रेस्ट मास एनर्जी, रेस्ट मास एनर्जी इक्वल टू mc2। क्योंकि जब कोई चीज बहुत तेज चल रही होती है तो वहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती, तो उस स्थिति में पोटेंशियल एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, रेस्ट मास एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटेंशियल। मैंने आपको क्या बताया, जब कोई धीमे धीमे चल रहा है तो ग्रेविटी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सब चीजें मायने रखती हैं। अगर कोई रिलेटिव स्पीड चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ना होकर रेस्ट मास एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी दोनों मिलाकर टोटल एनर्जी बनाते हैं, एम्प्लाइज टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई इक्वल टू mc2 के इक्वल होता है, याद रखना है। इतनी दूर डायरेक्शन करके हम यही लाए, तो यहाँ डेरिवेशन महत्वपूर्ण नहीं था, फिर मैंने आपको कराया बिकॉज ये बीएससी में आता है। तो हमने ये पढ़ लिया, हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड एनर्जी, ठीक है। लास्ट डेरिवेशन है कंप्लीट, उसके बाद हैशटैग रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम, एनर्जी एंड मोमेंटम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता भाई, वी नो दैट आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, एनर्जी रिलेशन इसका होता भाई वरुण सिंह इक्वल टू mc2। मेरा ब्रैकेट में जरा m का मान बताओ, ये पढ़ा रही m square से गुणा व भाग करने पर बताओ कितना है, m प्लस e इक्वल टू m नॉट c स्क्वायर अपॉन वन माइनस, इसे आप देख सकते हैं m जीरो मोमेंटम कहते हैं, तो p स्क्वायर बन गया, देख पा रहे हो। और नीचे क्या है, m स्क्वायर c स्क्वायर है, अगर एक m को तोड़ दूं तो m इंटू एम सी स्क्वायर बनता है, ये कहते हैं m इंटू ई, समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, समझ आ गया, ठीक है। स्क्वायर बोथ साइड करो, स्क्वायर बोथ साइड, sqrer स्क्वायर करो, कितना है, ई स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई, ठीक है, बड़ा कितना है, ई स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, गुणा करो अंदर कितना है, ई स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करो अंदर कितना है, तो कितना आया, ई स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम इंटू ई इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, बताओ कितना है, एक ई से एक ही कैंसिल हो गया, ई स्क्वायर माइनस के, अब एक ही तो कैंसिल हुआ है ना, अब एक ही तो कैंसिल हुआ है, एक ही बचा है, ई इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है, ई स्क्वायर माइनस ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर अपॉन एम इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एम से एम कैंसिल हो गया, बताओ कितना हो जाए, बताओ जी बताओ कितना बचा, कितना बचा, कितना बचा, सो ई स्क्वायर माइनस के सी स्क्वायर पी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, इस चीज को उधर लाएंगे, एम प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर लाएंगे तो पहले से लिख लो एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, माइनस का है ना उधर प्लस का जाएगा सी स्क्वायर पी स्क्वायर, तो एम प्लस ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4, एक बार दोबारा लिखेंगे, एम प्लस
स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। ये बहुत ही बिंदास फॉर्मूला है और आँख बंद करके कहीं भी लग जाता है, बहुत जिंदा है। जीवन में कहीं भी अगर रिलेटिविटी की नाम आएगा तो कोई भारी पड़ा नहीं है, लेकिन रिलेटिविस्टिक का नाम आएगा ये क्वेश्चन लगेगी हमेशा, चाहे वो पार्टिकल फिजिक्स पढ़ लो चाहे वो न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ लो। यहाँ पर हम रिलेटिविटी खत्म होती है और मिस्टर चमन प्रकाश भारती जी एक एक करके सारे फॉर्मूले में बताएंगे कि क्या है। फॉर्मूले का नाम मैं बताऊंगा और फॉर्मूले आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद चार कुछ पांच क्वेश्चन करेंगे और रिलेटिविटी फिनिश। और गौरव सिंह फॉर्मूले को देखेंगे आप, फॉर्मूले बिल्कुल भारी नहीं है, जो भी फॉर्मूला आप लिखे जाएंगे सारों का निगमन मैं बता चुका हूँ तुम्हें, सारों का निगमन, ठीक है। तो पहले स्टार्ट करते हैं चमन प्रकाश भारती जी, ठीक है। आधे क्वेश्चन आधे गौरव सिंह बताएंगे, आधे आप बताओगे, पक्का शुरू शुरू का गौरव सिंह, ठीक है। उसके बाद अपने हम लोग 10-15 क्वेश्चन करेंगे, बात फिनिश हो जाएगी, ठीक। थोड़ा फॉर्मूले लिखने हैं तो अच्छे से मिटा देते हैं, इतना बोर्ड चमकेगा इतना ज़्यादा मज़ा आएगा फॉर्मूले को लिखने में। ओके स्टार्ट करते हैं, हैशटैग फॉर्मूला FORMULA। बताओ भाई पहला फॉर्मूला चमन प्रकाश जी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताओ चमन प्रकाश जी कितना होता है। नंबर टू लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या होती है बताओ। एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस एक्स प्राइम स्क्वायर एक्स माइनस बी टी एक्स माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वाई प्राइम स्क्वायर टू वाई, जेड प्राइम स्क्वायर टू जेड, टी प्राइम स्क्वायर टू टी माइनस बी एक्स अपॉन टी माइनस एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। नंबर 3 लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एलियन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन एलियन जी टी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कितना होता है। L is equal to L naught under root 1 L is equal to L naught under root 1 per minus b square 1 minus b square upon c square। Number 4 time dilation, time dilation कितना होता है। Delta is equal to delta t is equal to delta t prime delta t naught under root 1 minus b square 1 minus b square upon c square। Number 5 mass variation, mass variation फॉर्मूला कितना होता है। एम इजक्वल टू एम नॉट अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर थीटा। वेलोसिटी एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम मतलब एक्स एक्सिस पे कितना होगा यू एक्स प्राइम बराबर यू एक्स माइनस बी, यू एक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस यू एक्स बी अपॉन सी स्क्वायर सी स्क्वायर। यू वाई प्राइम कितना होता है, ui अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ux b अपॉन सी स्क्वायर v अपॉन सी स्क्वायर। uz प्राइम कितना होता है, uz अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर अंडर रूट सॉरी 1 माइनस ux b अपॉन 1 माइनस ux b अपॉन सी स्क्वायर। छठा सातवां रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक एनर्जी, रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड मोमेंटम, मोमेंटम कितना होता है, मोमेंटम की स्पेलिंग सही करेंगे कितना होगा, एम ओ एम ई एन टी यू एम मोमेंटम कितना होता है। ई इक्वल टू ई स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर फॉर एम नॉट स्क्वायर सी की पावर और एट फॉर्मूला है आइंस्टाइन ई आई एन एस टी ई आई एन आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपकी रिलेटिविटी खत्म हो जाती है तो बहुत अच्छा रहा कि कंटिन्यूसली आप लोग समझते भी रहे और मैं समझाते भी रहा, बिल्कुल भी भारी नहीं है। अगर आप देखें कायदे में तो यही रिलेटिविटी है जिसे आप बी एस सी की आधी बुक मानते हैं, इन्हीं का प्रूफ ज़्यादातर घूम घूम के आता रहता है। सबसे पहले मैंने आपको गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताया, फिर लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल बाकायदा पढ़ा है। अब भविष्य में आप किसी को रिलेटिविटी पढ़ाते हैं तो इसी मायने में पढ़ा, इसे बिल्कुल भारी नहीं लगेगी। मैंने आपको पूरी रिलेटिविटी अभी डायरेक्ट एक बार में खत्म कर दी, इसलिए थोड़ी बहुत भारी लग रही होगी। अगर मैं इसे किस्तों में पढ़ाता एक दिन ये एक दिन ये एक दिन ये, तो आप देख सकते हैं 8 दिन में रिलेटिविटी खत्म होती, तब भी धीमी गति समझ में आती। तो
अब बुकलेट निकालेंगे और न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको हिंट दूंगा, आप देखेंगे सारे न्यूमेरिकल आप कर पा रहे हैं। ये मिटाना नहीं चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, मैं यहीं से हिंट दे देता, ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा। बुकलेट निकाल लें आप लोग, बुकलेट निकाल लें और देखें न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, ओके, लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। ओके बताओ भाई, पेज नंबर कहाँ बताओ, पेज नंबर बताओ, न्यूमेरिकल कहाँ से स्टार्ट, 211 से स्टार्ट है। जिन जिन में मेरे को कहूँगा उनके नाम सुनते रहेंगे। पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 3 देखो, पेज नंबर 211 क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 211 है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ेंगे समझेंगे। स्पेसशिप इज मेजर टू बी 120 मीटर लॉन्ग, मेजर एल नॉट इज इक्वल टू 120 मीटर लॉन्ग एंड 20 मीटर इज डायमीटर while at rest relative to an observer. If the spaceship now flies by the observer with a speed of 0.99c length and the diameter, does the observer measure? ठीक, अब बात यह है कि कोई spaceship है, ये मान लो कोई spaceship, इसका diameter भी होगा length भी होगा, तो सबसे पहली बात यह है कि diameter length की value देखो कितनी है। diameter length की value में आप देखोगे लेंथ जो है वो 120 मीटर है, ठीक है, देख रही, लेंथ जो है वो 120 मीटर है और जो डायमीटर है स्पेसशिप का वो है आपका लेंथ, सॉरी लेंथ 120 मीटर है और डायमीटर जो है स्पेसशिप का वो कितना है 20 मीटर है, देख रहा है। अब बात करते हैं स्पेसशिप होता कैसा है, अगर आपने कोई भी स्पेसशिप देखा हो तो वो इस तरीके मान लीजिए, जादू का स्पेसशिप मान लीजिए ऐसे है, डिजाइन बनाता हूँ थोड़ा है, डिजाइन मुझसे बनाना भी नहीं आएगा, इस पर थोड़ा यहीं पर घुंघरू घुंघरू लपटा दो, घुंघरू बना रहे हो, डिजाइन डिजाइन बनावा था, कोई मिल गया वाला, चलो कोई मिल गया वाला स्पेस, वो बोस टाइप का होता है, तो ये स्पेस जो है इस दिशा में उड़ेगा, डायमीटर कहाँ होता है इसका, ऐसे होता है, ठीक है, इस चीज पर डायमीटर कह रहे हैं। सिलेंड्रिकल तो हो सकता है, सिलेंड्रिकल मामले चल रहे थे, आपको बताओ ना, आप ये स्पेस सब लगे हो तो क्या है डायमीटर, डायमीटर ये क्यों, क्योंकि स्पेस जो है ऐसा हो सकता है, आप लगे हाँ स्पेसशिप बन रहा है, ये चीज है स्पेसशिप की लेंथ, तो ये चीज दे रखी है कितनी 120 मीटर और ये चीज जो हाइट है वो स्पेसशिप की कितनी दे रखी है 20 मीटर, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्मूला मैंने बताया था, प्रोपोगेशन डायरेक्शन लगता है, अब यहां आके तब ये उड़ रहा है, हियर द प्रोपोगेशन ऑफ ए स्पेसशिप affect only the length of ship, length of ship l is equal to l naught and root 1 minus v square upon c square लगाएंगे, l naught कितना 120 into under root कितनी स्पीड जा रहा है 0.99 c का whole square upon c square, सॉल्व कर देंगे कितना आ रहा है, सॉल्व करेंगे 17 meter, but the diameter, diameter of spaceship, spaceship will not change, will not change because, because BCAUS, because it is perpendicular, perpendicular to the perpendicular to the direction of motion, direction of motion, ठीक, आई होप यू एग्जांपल समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अरे भाई साहब चित्र बना रखा है पीछे तुमने, और कोई सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसके नीचे ही है, कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे,
पेज नंबर 211 ही है, क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। इसमें कह रहा है टू स्पेसशिप ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक इधर किधर चल रहा है और एक इधर किधर चल रहा है, देखो अपोजिट डायरेक्शन है। ऑब्जर्व ऑन अर्थ मेजर द स्पीड ऑफ द शिप ए इज 0.70 सी, इसकी कितनी है 0.750 सी। कौन ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है अर्थ से, इसकी कितनी है 0.850 सी। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बी एज द ऑब्जर्वर बाय द क्रू ऑन स्पेसशिप ए, तो यहाँ पर कोई बंदा बैठा हुआ हो तो उसको ए की बी की स्पीड क्या दिखाई देगी तुम्हारे हिसाब, तो उसका तरीका क्या होता है, वही वेलोसिटी एडिशन थोड़ा लगाएंगे, वो अच्छे से याद होनी चाहिए। क्या होता है एक्स एक्सिस में हो रही है यूएक्स प्राइम और यूएक्स माइनस, हां तो परमे फॉर्मूला क्या था, यूएक्स प्राइम इज इक्वल टू यूएक्स माइनस बी अपॉन 1 माइनस यूएक्स 1 माइनस यूएक्स बी अपॉन सी अपॉन सी स्क्वायर। बस अब कौन सा वो यूएक्स इनवर्स इनवर्स लगेगी सी स्क्वायर, ठीक। अब देखना कौन सा यू है कौन सा यूएक्स है देखेंगे, तो अब इसमें से मुझे देखना है, ठीक है इसमें तो देखना है यूएक्स प्राइम का फॉर्मूला क्या होगा, यूएक्स की वैल्यू कितनी है, यूएक्स की वैल्यू हो गई आपकी 0.85 सी, ये तो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, डायरेक्शन आ रहा है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक। सर सर रिवर्स इनवर्स इनवर्स इक्वेशन लगेगी सर, ए की वेलोसिटी 0.750 है और बी की वेलोसिटी है, इस फ्रेम को अगर मैं रेस्ट फ्रेम मानूं, अगर इस फ्रेम को मैं रेस्ट फ्रेम मानूं, मुझसे क्या पूछा गया है कि इस फ्रेम से देखने पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये तो पूछा गया। इस फ्रेम से देखने पर उसकी वेलोसिटी जो मगर यू एक्स प्राइम मान रहा हूँ, इस फ्रेम से देखने पर उसकी वेलोसिटी मगर यू एक्स प्राइम मान रहा हूँ, इस फ्रेम से देखने पर उसकी वेलोसिटी यू एक्स प्राइम मान रहा हूँ, बात समझ पा रहे हो क्या कर रहा हूँ, इस फ्रेम से देखने पर हम उसकी वेलोसिटी यू एक्स प्राइम मान रहा हूँ, इसका मतलब फ्रेम वो चल रहा है और मेरा एस फ्रेम है, समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ पा रहे हो गौरव सिंह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ इसे मिटा के तुम समझाता हूँ, समझो इस को बारीकी से समझना, समझना जाएगा क्वेश्चन की बात नहीं, यहीं पर गलती होती है इस वाले फॉर्मूले में। मैंने तुम्हें बताया था कि अभी तक हमने जितने भी जुगाड़ करे उसमें क्या करा, एक फ्रेम हमारे पास ये था और दूसरा भाग रहा था, और हम बता रहे थे कि जो भागने वाला होगा वो यहाँ से देखने में क्या होगा, अभी तक यही करी हमने, अभी तक हमने यही करा, असल मारी भागने वाला जो होगा वो यहाँ से देखने में क्या होगा, तो यहां से देखने में क्या होगा भागने वाला ये बताना है मुझे, बात समझा रहे हो, और भागने वाला यहां से देखने में क्या होगा यह बताना है, और दिमाग में ये सेट करना है जहां से भी आपको देखना है उसे एस फ्रेम मानो और दूसरे को एस प्राइम, ठीक है। तो अब यहां से आप इसे देखना चाह रहे हैं, क्वेश्चन फिर से पढ़वा देता हूं ताकि क्लियर हो जाए, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है टू स्पेसशिप ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एंड ऑब्जर्व ऑन अर्थ मेजर द स्पीड ऑफ शिप ए टू बी 0.750 सी एंड द स्पीड ऑफ शिप बी टू बी 0.850 सी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ शिप बी, शिप बी एज ऑब्जर्व बाय क्रू ऑन शिप ए, शिप ई से देखेंगे, ठीक है बात समझ आ रही है, इधर देखो गौरव सिंह इसका नाम क्या रख दिया मैंने एस, पागल हो क्या एस, यहाँ देखते हैं सर इसका नाम क्या रख दिया एस प्राइम, बात समझ आ रही, तो जो एस प्राइम है वो चलता है, एस प्राइम जो है वो चलता है ना दूर की तरफ, पर दूर पास जो भी मानो चलता है उसकी स्पीड को वी कहते हैं, क्या कहते हैं वी, तो ये स्पीड वी है, क्या है स्पीड वी है, और इसकी स्पीड को यू एक्स माना जाएगा क्योंकि बची हुई स्पीड है, अगर हमें एक स्पीड बचा दूसरी को बची हुई स्पीड मान सकते हैं, मान रख दो एक को निगेटिव रख लेना अपनी मर्जी से किसी को भी यू एक्स प्राइम स्पीड, क्योंकि एक को रखने पर एक को निगेटिव जैसे आप रखोगे ना सब्ट्रैक्ट ही होगा और फाइनली वो मोशन को डिनोट कर रहा होगा, तो मान लो मैंने इसे निगेटिव रखा माइनस के 0.750 सी, अच्छा ये जुड़ क्यों रहे एक बात और समझेंगे, अपने दिमाग से एक बात सोचो, एक गाड़ी 100 की स्पीड से आ रही है, एक गाड़ी यहाँ 100 की स्पीड से आ रही है, और बात को तो एक से देखने पर दूसरी की स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, हमेशा दोनों सामने आ रहे हैं तो दोनों सामने आएंगे तो रिलेटिव स्पीड बढ़ेगी, तो सोचना ही नहीं, तो यहाँ घटने का तो सोचना मत गलती से, क्योंकि दोनों आमने सामने आ रहे हैं, अगर दूर जाते तो घटती, पास आते तो जुड़ती, अब जुड़ने के दो तरीके हैं, प्लस प्लस जुड़े ये माइनस माइनस जुड़े, ये माइनस माइनस क्यों जुड़ेगा क्योंकि
अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस 0.75 माइनस ये कितना है 0.850 सी अपॉन 1 माइनस इसकी वैल्यू रखो माइनस 0.750 सी गुणा वी की वैल्यू 0.850 सी अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर कटेगा, यू एक्स प्राइम की वैल्यू सॉल्व करेंगे कितनी आएगी देखो कितनी आ रही बताओ, माइनस 0.977 जाएगा, माइनस का 0.977 सी ये स्पीड है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे, पेज नंबर 212, पेज नंबर 212 का हो जो मिटाता हूं मैं, पेज नंबर 212 का हो कॉपी को पकड़ूंगा, पेज नंबर 212 बताओ, पेज नंबर 212 बताओ, आओ बताओ हैशटैग पेज नंबर 212 और क्वेश्चन नंबर 6, एन इलेक्ट्रॉन विच हैव मास रेस्ट मास दिया होता है हमेशा 9.11 × 10⁻³ किलोग्राम मूविंग विद स्पीड वेलोसिटी दे रखी 0.75 रिलेटिव स्टिक मोमेंटम पी पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क, पी इक्वल टू क्या होता है एम वी, तो पी इक्वल टू एम की जगह डायनेमिक मास रखो एम नॉट वी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, एम नॉट वैल्यू कितनी 9.11 × 10⁻³ माइनस के कितनी वेलोसिटी कितनी 0.750 सी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वेलोसिटी कितनी 0.750 सी सॉरी सी होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा कितना आ रहा है देखेंगे मुझे होता है ये 0.528 आ गया क्या मुझे 3 पॉइंट दिख रहा है 3.10 कितना 3.10 है ध्यान से देखो 3.10 × 10⁻²² किलोग्राम मीटर पर सेकंड समझ आ रहा है पॉइंट पॉइंट में होगा समझ आ गया चलो जी आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पढ़ो सेवंथ सेवंथ पे कर पढ़ो सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है इसी पेज नंबर में पेज नंबर 212 में पेज नंबर 212 में क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इन ए टेलीविजन पिक्चर ट्यूब टिपिकली मूव्स विद अ स्पीड फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेस्ट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दे रखा है रेस्ट एनर्जी दिया कैसे कहते हैं एम नॉट सी स्क्वायर कितना दे रखा है 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये तो बता रहा तुम्हें वी नो दैट वी नो दैट क्या बताया फॉर्मूला ई इक्वल टू पी स्क्वायर एम सी स्क्वायर एम का मान कितना होता है एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में समझ आ रहा है एम नॉट सी स्क्वायर मान कितना 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपन नीचे के वेलोसिटी दे रखे क्या यार दिया कुछ नहीं मान रख रहे हैं थोड़ा सा क्या चल रहा है काम ऊपर वाली क्वेश्चन अलग है मेंशन नहीं करते हैं गलती करते हैं वेलोसिटी देगा वेलोसिटी कितना दे रखा है 1 − 0.250 सी का होल स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर ऐसे न्यूटन कर रखा है 0.528 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट अच्छा न्यूक्लियर फिजिक्स में कर रखा है हाँ उसमें जो वो मास होते हैं वो दे दिए नहीं होते उन्होंने और रखते रखते रहते हैं बराबर मास तक भी ठीक है यार वेलोसिटी में जरा वेलोसिटी क्या मालूम चलो मानो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे भागता है ठीक है तो इस क्वेश्चन को हम अधूरा मानते हैं और ये थोड़ा डिफेक्टिव मास दे रखा होता है ना वो दे नहीं रखा होता है तो मास जो डिफेक्ट मास हम निकालते हैं मास रखा है हाँ उस जो न्यूक्लियस बनाने के बाद जो मास दिया होगा ऑब्वियसली बात है वो दे नहीं रखा होता डर रखे यार पता नहीं मास बनाने के बाद का मास हाँ वो दे नहीं रखा होगा कुछ ना कुछ तो दिया होना चाहिए क्वेश्चन में मतलब ये तो इस क्वेश्चन को इसमें पूछा देसन थी उसने ग्रेटर देन रेस्ट मास एनर्जी से ऑब्वियस सी बात है ये टोटल एनर्जी ओए ये क्या है यहाँ पे टोटल एनर्जी होती है तो ये तो ज्यादा ही होगी बात है काइनेटिक एनर्जी सबट्रैक्टिंग द रेस्ट मास एनर्जी टोटल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करेंगे सो काइनेटिक एनर्जी
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे टोटल एनर्जी में से रेस्ट मास एनर्जी घटा दो, टोटल एनर्जी कितनी निकली हमारी 0.528 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से रेस्ट मास एनर्जी कितनी है 0.511 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, घटाओ कितना आएगा 0.017 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये तुम नोट कर ही लिया होगा। पीछे रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, नथिंग। ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन है, तुम खुद कर लेना, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश करना। रिलेटिविटी जो प्रॉब्लम आए मुझे बताना, बाकी इतना काफ़ी है आज के लिए। थैंक यू, बंद कर दो।